दिल लगा के करते हैं दोस्त। और इतना लंबा अरसा किसी ने शायद नहीं दिया होगा इस आजमगढ़ में खेल के लिए। और इन्हें क्या मिला है दोस्त, आप देख रहे होंगे, तो ये बहुत बड़ी बात है बिना पारा के लिए, आजमगढ़ के लिए, कि हमारे पास एक होनहार स्पीकर है, एक होनहार कमेंटेटर है। कमेंटेटर के बारे दोस्त कहा जाता है कि आंखों देखा हाल सुनाना, इसे कमेंटेटर कहते हैं। और कमेंट्स और कमेंटेटर में बड़ा फर्क है। बेहतरीन ये मुकाबला यहाँ पे होने वाला है, जरा साहब बेहतरीन गेम शो करना होगा यहाँ पे। जी शुक्रिया शाबिन साहब। पीटी पैलेस को कुछ अच्छा गेम शो करना होगा हारिस आजमी, इसमें शुक्रिया की बात नहीं, ये आपकी मेहनत और ये इब्ने सीना तिब्बिया कॉलेज का ये ग्राउंड गवाह है, ये मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड गवाह है। विशाल इसी मंजी पट्टी का भरता हुआ फनकार, और ये काउंट पहल का सलकिन कामयाब नहीं होने दिया, संभाल लिया गया है। दीपक किसका और माए गए, लंबा क्रॉस किया, विशाल ने संभाला बड़ी खूबसूरती के साथ। और एक बेहतरीन ये खेल आपके सामने है, और लब आल का स्कोर है, लब आल का स्कोर, आजमगढ़ क्रिकेट लाइव, बद्दपुर क्रिकेट लाइव, और मुर्शिद यूट्यूब चैनल, अक्रम वॉलीबॉल चैनल, और ये तमाम लोग इस मुकाबले को दिखा रहे हैं। ये है मुग्न चिश्ती, ये आजमगढ़ का रोशन चिराग है, ये अब टिमटिमा रहा है, पूरे हिंदुस्तान में टिमटिमा रहा है मुग्न चिश्ती का अपना खेल। बहुत सारे लोग इस खेल के साथ जुड़े हुए हैं। लब अगेंस्ट लब, जीशान की एक उमदा सर्विस, सही पास किया खूबसूरती के साथ, और ये टच आउट में कामयाब। रॉबिन ब्रे खामोश है, खामोशी के साथ गेम को शो करते हैं, लेकिन दोस्त खामोश मिजाजी हमें जीने नहीं देगी। इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, कोहराम बप्पा करना होगा। आज का कंपटीशन वाला युग है, आप गुड बेटर बेस्ट नहीं है, आपको बनना है एक्सीलेंट, एक्सीलेंट तब काम बनेगा। बहुत ये खूबसूरत सर्विस थी, और ये बाहुबली है, नितिन बाहुबली, सलमान जरा साहब को कुर्सी साइड कर ले दोस्तों, पॉइंट देखने में मजा आएगा, जरा सा कुर्सी अपनी साइड कर ले। और बेहतरीन ये मुकाबला है, ये बस हाँ वही जो खेला जा रहा है, ये पैदल स्पोर्ट ऑल इंडिया वाली वाल टूर्नामेंट संभाला गया, हल्का सा फिर संभाल लिया गया, वहां दीपक ने संभाला है, आए टच का चक्कर था, कदम चूम ली कामयाबी, एक और पॉइंट के शक में 2-0। तमाम बड़े बुजुर्गों का शुक्रिया जो ये लोग इस मुकाबले में जुड़े हुए हैं, बुधाई भैया जाते सिकोर भी वक्त निकाल कर देख रहे हैं, वैसी चिचा देख रहे हैं, सफरा चिचा देख रहे हैं, लोगों का शुक्रिया कि बेहतरीन ये खेल चंद के साथ इसमें सर्विस, और मुगली चिश्ती ने एक पॉइंट और में जाएगा 3-0। बहुत ही खूबसूरत ये मुकाबला यहाँ पे होगा, बहुत प्यारा मुकाबला इसे ऑल इंडिया वाली वाली टूर्नामेंट में जो ये मुकाबला है यहाँ पे, तमाम लोगों का मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ जो जुड़े हुए, संभाल लिया गया। और ये बहुत प्यारी सर्विस है, ये श्रीजान सेंटर ने वन मोर पॉइंट कंजेक्टिव स्टार्टिंग सर्विस कंटिन्यू पॉइंट कंटिन्यू सर्विस और कंटिन्यू पॉइंट में देख रहा हूँ यहाँ पे है 4-0 का स्कोर। दूसरे सेट में अच्छा कर रहा है बीटी पैलेस, बीटी पैलेस गवाया है, लेकिन दूसरे में कुछ कर रहा है, श्रीलांस यहाँ दबाए गए लेकिन संभाल लिया गया, फिर मुगनी चिश्ती के लिए टच का चक्कर था, संभाल लिया बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे, अब फिर आए और ये लगातार दीपक और रॉबिन काम कर रहे हैं, विवेक और एक और पॉइंट, 5-0 का स्कोर, 5-0 का स्कोर है। ये टाइम आउट किया गया है, जाहिद स्पोर्ट क्लब पूना पहले से जीता है, लेकिन दूसरे में 5 पॉइंट से पिछड़ रहा है। एक दिलकश ये मुकाबला होने वाला है यहाँ पे, और अगले मुकाबले के लिए बिलाल प्रधान क्लब हसनपुर और अलवी मैन पावर सर्विस मुंबई बिल्कुल तैयारी, हम आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, पीछे बट अवे, जरूर अच्छा करना चाह लेकिन आवे कर बैठे, तो सर्विस में देख रहा हूं 0-5 पे।
दोनों टीम बिल्कुल तैयार है। 0-5 का स्कोर है और ये उमदा सर्विस बट अंडर नेट। तीन जीशान कुछ सोचे हैं, अभी ऐसा लग रहा है जैसे जीशान नींद में हैं, सोए हुए हैं, उनकी ये चेहरे बता रहे हैं। जरा सा अपने आप को तैयार कीजिए तमाम लोग और जरा सा दर्शक ताली बजाएं अच्छे खेल पे। ये उमदा सर्विस निजी पॉइंट सर्विस मैन का, ये रॉबिन पतला दुबला है, कहा जाए जैसे इंडियन टीम का यूजी चहल हो उसी तरह से ये सर्विस कर रहा है बड़े प्यारे अंदाज में और लगातार पॉइंट अर्जित कर रहा है 6-0। तो बिलाल प्रधान क्लब हसनपुर ओपन ला पूरा फायदा इस सारा ठाकुर बेहतरीन समीर टीम का सेटर है, बहुत लाजवाब सेटर है दोस्त। कल मास को चोट लगी और अभी तक सईद आलम भी नहीं देखे जा रहे हैं और जीशान है सुभान बैठे इस मुकाबले को देख रहे हैं, उनकी जगह पे प्रश्न कर रहा है समीर का लाजवाब बूस्टर है संभाला। एक मरतब फिर आप देख रहे हैं कि तेज प्रहार थर्ड लाइन का सही तरीके से ये शहबाज काउंटर अटैकर की भूमिका निभा रहे हैं। काउंटर अटैकर का मतलब दोस्त कि हर वक्त वो अपने आप को तैयार रखें, हमला जवाबी हमला देने के लिए तैयार रहें। 6-0 जम के साथ उमदा सर्विस और मुगनी चिश्ती इस मरतबा अवे कर बैठे। एक और पॉइंट 7-0 कंटिन्यू सर्विस कंटिन्यू पॉइंट। तो इस ग्राउंड पे जो ये इब्ने सीना तिब्बतिया कॉलेज का ग्राउंड है, मेडिकल कॉलेज का ग्राउंड अंडर नेट लेकिन संभाला गया खूबसूरती के साथ। फिर यहाँ पे शियांस हल्के से लेकिन किसको आजमाएंगे दीपक, अब ये आ रहे फिर दबाएंगे खूबसूरत मेरे गांव खेल चल रहा है घमासान की रैली है और ये जगह जरूर देखा था लेकिन अभी कर बैठे। और इस कॉलेज के मोहतरम प्रिंसिपल मोहतरम मौजूद है डॉक्टर आजमल साहब, जामई मैं आपका वेलकम कर रहा हूँ कि आप भाई जिस टीम को खाना खाना है वो पहुंच जाए, खाना बिल्कुल रेडी है और ये बेहतरीन मैं देख रहा हूँ खेल। आप 7-0 दूर दूर से तमाम दर्शक जो आए हैं उनका शुक्रिया, उनका शुक्रिया। यहाँ पे दोस्त कपड़ा बाजार आपका वेलकम कर रहा है, कपड़ा बाजार आपका वेलकम कर रहा है, तमाम लोगों का शुक्रिया है। सरफराज चचा एजाज चचा दोनों भाई हैं लेकिन कुछ जरूर खा पी रहे हैं, बड़े प्यार से इस खेल में टाइम पास कर रहे हैं और ये बहुत कुछ तरह संभाला है नितिन, लंबा क्रास कर देंगे संभालिए बिल्कुल तोड़ देगा था। फिर वहां पर अच्छा डिफेंस, लगातार ये हमलावर हो रहे हैं समीर ने संभाला है और ये सीरियंस है, अच्छा डिफेंस किया गया, काउंटर आया शहबाज बटवे सर्विस 0-7 के स्कोर पे। तो ये बिलाल प्रधान क्लब हसनपुर की टीम में लिख रहा हूँ बिल्कुल होगी और ये बिलाल साहब बिलाल इस्लाही है दोस्त लेकिन परवरदिगार ने नवाजा है, गांव के लोगों ने पलकों पे बिठाया है बिलाल को, उनकी टीम यहाँ रेडी है, टीम रेडी है मैच खेलने के लिए। तो अब जाके स्कोर का आगाज किया 1-7। बहुत दिनों से ये क्या साराई हो रही थी कि ऑल इंडिया वाली वार टूर्नामेंट ग्रामीण क्षेत्र में होना चाहिए और ये टाइगर स्पोर्ट क्लब ने एक कहकर बताया कि टाइगर अभी जिंदा है और बेहतरीन। दूर दूर से जो लोग आए हैं जाएंगे तो बताएंगे कि हाँ सरानीर में सब कुछ है, परवरदिगार ने दौलत दिया है, इसे मिनी दुबई कहा जाता है, तालीम का ये हब है, शिक्षा का ये हब है, अगर हम तालीम हासिल नहीं करेंगे शिक्षित नहीं होंगे हम अंधे हैं हम बेकार हैं। तो आप पढ़िए और खेलिए, पढ़ोगे लिखोगे तो बन जाओ आपका काम बनेगा। एक मतलब फिर खूबसूरत प्रहार किया रॉबिन दोस्त, इनके वजन होगा 38 से 40 किलो लेकिन बेहतरीन गेम शो कर रहा है रॉबिन बेहतरीन। मैं अक्सर कहा करता हूं कि पढ़ोगे लिखोगे खेलोगे कूदोगे बनोगे नवाब, गुटखा खाके मोबाइल चलाओगे हो जाओगे खराब। तो खेलो पढ़ो काम करो, काम करो बच्चों, एक बेहतरीन खेल। यहां पे इतनी बड़ी तादाद में दर्शक है, मैं देख रहा हूं काफी खामोशी के साथ मुकाबले को देख रहा है, बहुत सारे मेहमान आने वाले हैं। ये मुगनी चिश्ती, उम्र कम है तजर्बा कम है लेकिन जुनून है हौसला है हिम्मत है और लड़ने की ताकत रखता है ये नौजवान। साई हॉस्टल रायबरेली का ये प्लेयर है, बहुत बेहतरीन ये फनकार है, इसी अनजान से ताल्लुक अल्लाह ब्लेस में बेहतरीन। और ये खेल कह रहा है कि हम अपने जान के दुश्मन को अपनी
अपनी जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। इजी ट्रेवल ट्रिप भी मुकाबला अपना खेल चुकी है। आज पंकोला बिल्कुल तैयार है, ब्लाल एंड कंपनी से आपका मुकाबला होगा। बहुत खूबसूरत ये मुकाबला यहाँ पे है। तो अहले बीना प्यारा का शुक्रिया, जिसमें तमाम लोग हैं यहाँ पे, जीसान अहमद खान रक्षा दल, युवा रक्षा दल उपाध्यक्ष आजमगढ़ आपका भी शुक्रिया है। मोहम्मद साहिब साहब सिंदरी आपका भी शुक्रिया। श्री विक्रांत सिंह और फ्रिशु एमएलसी आजमगढ़ और मऊ आपका भी शुक्रिया। प्रिंसिपल महोदय साहब आपका शुक्रिया कि आप वक्त दे रहे हैं, वक्त निकाल कर यहाँ पे आए हैं, इस मुकाबले में वक्त दे रहे हैं। और अब ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, दंगल जमनी तहजीब को आबाद करता हुआ मुकाबला। जीशान की सर्विस 8-2 का पॉइंट यहाँ पे है और ये रॉबिन इस मरतबा दबाए गए। और ये 3-8 ये हमारा खेल ये बता रहा है कि हम खेल के लिए जीते और मरते हैं। 3-8 का स्कोर पे उमदा सर्विस सही तरीके से। माइनस बाल अपने चिश्ती हल्के से वहां पर टेप किया, एक और पॉइंट, 8 अगेन 4 अगेन 4 अगेन 8। बहुत खूबसूरत ही खेल। अगर अपने मुल्क की खिदमत करनी है तो पढ़ो और खेलो, अगर अपने मुल्क से मोहब्बत है तो पढ़ो और खेलो, तब काम बनेगा। अगर हम पढ़ेंगे और खेलेंगे नहीं तो अपने मुल्क की हम खिदमत बहुत कम कर पाएंगे। कि आए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, आए वतन हम तुझसे मोहब्बत बेशुमार करते हैं, आए वतन तेरी अजमत को हम सलाम करते हैं। टाइम आउट लिया गया है यहाँ पे, ये बीटी पैलेस और दोस्त बीटी पैलेस क्या 5-8 का मुकाबला है। टाइम आउट खत्म हुई, प्लेयर अपने पोजीशन के साथ ये सब इसके अजीसान संभाला गया, बेहतरीन प्रहार किया बेहतरीन। तो अभी इन टीमों को बहुत कुछ करना है कि अभी तो शाम है ऐ दिल, अभी तो रात बाकी है, वसाले हिजरी आरा की अभी सौगात बाकी है, अभी तो उंगली बस काकुले गेतों से खेली है, पूरी जुल्फों से कब खेले अभी वो बात बाकी है। ये मुगने चिश्ती लंबा स्पेस कर बैठे और मैं हम इतना बड़ा मजमा और खामोश में चाहूंगा कि पूरा मजमा एक बार तालियां बजा दे इस मुकाबले के लिए, ऐसा लगे कि आप लोग तैयार हैं मुकाबला देखने के लिए। जी शुक्रिया तमाम लोगों का। 9-5 का स्कोर दर्शक प्रिय प्यारे हैं दोस्त आजमगढ़ के, उन्हें बहुत जानकारी है, लेकिन मैं वॉलीबॉल के जो खिलाड़ी खेल रहे हैं और जो बैठे हैं और जो आने वाले हैं उनसे कहूंगा कि आप वक्त का ख्याल करें, जहां भी जाएं वक्त पे जाएं और वक्त के खेलना सीखें। भाई तीसरे मुकाबले के लिए बिलाल प्रधान एंड कंपनी हसनपुर और अलवी मैन पावर सर्विस मुंबई आसिफ अंकोला एंड कंपनी अपने खिलाड़ियों को तैयार रखें। इसमें इस लोगों ने रोड अटैक बाई मोगनेश जबरदस्त प्रहार मोगनेश का, 5 पॉइंट का डिफरेंस है। पहला सेट शायद स्पोर्ट्स के अंदर, लेकिन दूसरे सेट में बीटी पैलेस ने 5 पॉइंट की बढ़त बना रखा है। शीशान सर्विस डिफेंडेड बाई वेग पख्तो शहबाजे, जैसे को तैसा मिला, खूबसूरत हाथ देकर सर्विस अपने नाम किया शहबाज अली। दोनों टीमें एक अच्छे खिलाड़ियों के साथ दिलचस्प मुकाबला होता हुआ डिफेंडेड बाल उछाली गई ऋषियां से, टच और का चक्कर नाकाम किया विवेक और ये मोगनेश चिश्ती, ताकत की आजमाइश भारी पड़े ऋषभ। तो बेहतरीन ये खेल 11-5, ऋषभ इस मरतबा अपने जौहर को दिखाया, रॉबिन चम के साथ स्मैशिंग सर्विस संभाल लिया और ये हल्का सा दाब दिया था, संभाल लिया गया वहां पे, फिर मानिस बाल पूरा एडवांटेज मिल गया सर्विस चेंज की शक्ल में। कुछ मैं देख रहा हूं कि हमारे बुजुर्ग खड़े हैं और बच्चे कुर्सी पे बैठे हैं, कमेटी इन मतलब जरूर घूम जाए, बिल्कुल सामने बच्चे खड़े हैं दोस्त।
अलमास अब्दुल्ला बिना पारा कमेंट बॉक्स में आ जाए। तो भाई सलमान एंड कंपनी जो कमेटी के लोग दोस्त सामने कुछ बुजुर्ग खड़े हैं और बच्चे बैठे हैं, उनको प्यार से हटा दे, बुजुर्गों को बैठने का मौका दे। ये आजमगढ़ की रवायत रही है कि हम अपने बड़ों का सम्मान और छोटे से प्यार करते हैं। संभाल आ गया एक मुजफ्फरल का सा और ये अवे हुआ, कुछ समीर से बातें की लेकिन एक और पॉइंट 12 अगेंस्ट 5 12 और 5 बिलाल प्रधान क्लब हसनपुर आसिफ अंकोला टीम अलवी मैन पावर सर्विस मुंबई सेकेंड एंड लास्ट टाइम आउट टेकन बाई जाहिद क्लब जाहिद स्पोर्ट पूना जाहिद स्पोर्ट पूना रागी बैंड कंपनी भी देखी जा रही है। ये लोग भी ऑल इंडिया वाली बार कमेंट को सोच रहे हैं कि ये बेहतरीन ये प्रांगण है। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है दोस्त कि ये मेरे नौजवानों के लिए ये जो दर्शगाह है ये मेडिकल कॉलेज है बड़ा अच्छा फ्राहम कराता है। बहुत आसानी से बहुत कम दूरी तय कर आप यहाँ पे एक अच्छे डॉक्टर बन सकते हैं और आप खेल कर एक अच्छे इंसान बन सकते हैं। वॉलीबॉल में बड़ा अच्छा स्कोप है दोस्त, अगर आप वॉलीबॉल के अच्छे प्लेयर हैं सर्विस आपको मिल जाएगी। और आज के इस बेरोजगारी वाले दौर में अगर कहीं रोजगार मिल रहा है उसमें तोड़ है आप और ये अवे कर बैठे। और महमूद बिना पारा भी मुस्कुरा रहे हैं कि मेरे गांव में आज बड़ा शानदार है लेकिन इतनी ठंडक उन्हें अभी से लग रही है कि साल है जैकेट है लेकिन कान में नहीं है। ठंडक सबसे ज्यादा कान में लगती है लेकिन फैशन है ना, हम कान नहीं ढकेंगे और सब कुछ पहन लेंगे। तो बचिए ठंडक से दोस्त, बहुत प्यारा ये मुकाबला यहाँ पे चल रहा है। जरा सा अगर आपका सहयोग मिला, दर्शकों का सहयोग मिला तो मजा आएगा। अश्वाज भाई भी कह रहे हैं मैं भी परदेशी हूँ लेकिन इस मुकाबले को देख रहा हूँ। परदेशी बहुत खुश होता है जब इस टूर्नामेंट देखने को मिल जाता है मौका। एक बेहतरीन खूबसूरत लवली स्मैश और वहाँ ललित ने संभाला था और ये मुग्ने चिश्ती जिनको वर्षे में मिला है ये गेम, ये रॉबिट संभालिया गया बड़ी खूबसूरती के साथ और ये अंडर नेट कर बैठे। सभी चाहिए 13-5, मेरा 5 बिल्कुल नहीं है, 13-5 है। तो तमाम लोगों का शुक्रिया इस खेल के साथ जुड़ने वालों का। क्या तीसरा सेट खेला जाएगा? जी फतेहपुर ताल नजा से लोग जुड़े हुए हैं दोस्त, मैं उनका शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इतनी दूर दूर से लोग आ रहे हैं। क्यों ना आए, ये ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट है। नौजवानों आप खेल को देखें, अच्छे खेल पे ताली बजाएं लेकिन इस ग्राउंड से एक शपथ लेके जाएं, हम खेलेंगे और पढ़ेंगे। हम जिस खेल के मैदान पे गए थे वो तालीम का भी मैदान था, अच्छी सर्विस थी, संभाल लिया गया खूबसूरती के साथ। फिर यहाँ पे एक बेहतरीन डिफेंड किया गया समीर के द्वारा और ये श्रियांश गेट को हल्के से सहलाया था। ये देखे में कमजोर है लेकिन अच्छा स्टार्ट करते हैं और पॉइंट मिल जाएगा 6 और 13 6-13। जिस दिन ये हमारा नौजवान जिस तरह से खेल के मैदान पे भागता हुआ आता है बिन बुलाए, जिस दिन ये लाइब्रेरी की तरफ दौड़ेगा हमारा हिंदुस्तान बनेगी सोने की चिड़िया, फिर से बनेगा सोने की चिड़िया। तो नौजवानों एक नई सोच लेके निकलो, हमें युवा नेता नहीं बनना है, हमें एक स्टूडेंट बनना है, हमें एक सच्चा तालिब इल्म बनना है, सच्चा हिंदुस्तानी बनना है। हल्के से खेला है, संभालने की पूरी कोशिश की गई और अल्लामा शिबली नौमानी मेमोरियल ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट 7-8 जनवरी 2023 को मुमरा के सरजमी पे है होने वाला है। एक मतलब फिर बहुत खूबसूरती के साथ वहां पे संभालने की कोशिश और बिलाल प्रधान हसनपुर क्लब की टीम अभी खेलेगी और मौलवी बिलाल साहब की उम्र कम है लेकिन गांव वालों ने पलकों पे बिठाया है, गांव वालों ने पलकों पे बिठाया है, टीम बनाई है अपने गांव के नाम से। तो बिलाल साहब कह रहे हैं कि बंजारे रिश्ते की तजारत नहीं करते, हम लोग दिखावे की मोहब्बत नहीं करते, लड़ना है तो जीत ले मैदान है हमें, हम लोग कबीले से बगावत नहीं करते। महमूद हमारे बड़े वाले मोहतरम पीछे खड़े हैं, उनको लेके आ जाए, यहाँ कुर्सियां मैं दे दूंगा, आपके पीछे खड़े हैं उनको लेके आ जाए, महमूद आप पहचान रहे होंगे, उनको साथ में लेके आ जाए यहाँ पे, वो हमारे बड़े वाले मोहतरम हैं। बेहतरीन मैं देख रहा हूँ कि ये बेहतरीन मुकाबला चला है, 6 और 14 का स्कोर है, 6-14 का स्कोर, तीसरा सेट की पूरी मुझे उम्मीद है कि तीसरा सेट होगा। और ये बिना पारा का प्रांगण कह रहा है कि लहराएगा तिरंगा अब सारे आसमान पे, भारत का ही नाम गूंजेगा सबकी जबान पे। एक और उमदा सर्विस सही पास किया गया और ये
एक और पॉइंट कि ले लेंगे इसकी जान या खेलेंगे अपनी जान पे, कोई जो उठाएगा हिंदुस्तान पे, कोई जो उठाएगा हिंदुस्तान पे। तो ये प्रांगण खेल का मैदान, इस मैच के बाद दोस्त एक परिचय प्राप्त करेंगे, इंट्रोड्यूस होंगे, वो राजेश यादव, संजय यादव, विनेश सिंह, मानस राय, संदीप सिंह, DNW के जो पुराने जो प्लेयर थे दोस्त, वो लोग ये इस मोमेंट में आ चुके हैं। मैं उनका वेलकम कर रहा हूँ, उनका मैं शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे राजेश यादव, संजय यादव, विनेश सिंह और मानस यादव, संदीप, ये तमाम जो टीम दोस्त हैं, DLW वाराणसी, दिल्ली, डेहरी, आजमगढ़, बीटी पैलेस, मानस राय, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत अधिकारी दोस्त मानस राय और राकेश यादव हैं दोस्त, ये लोग यहाँ मौजूद हैं। मैं इनका अभिनंदन कर रहा हूँ, हार्दिक अभिनंदन कर रहा हूँ। और कुलसन मानस बाल का पूरा फायदा नहीं मिला, एक और तेज प्रहार खूबसूरती का साथ संभालने की पूरी कोशिश की गई और ये फिर वहां पे शहबाज दबाए गए। वन मोर पॉइंट टेकन, एट अगेन फोर्टीन। बहुत ही दिलचस्प मुकाबला है, साई हॉस्टल रायबरेली है, ये बेहतरीन सर्विस सही तरीके से पास किया गया और ये थर्ड लाइन का बेहतरीन प्रहार 14-8। नौ सेट पॉइंट कैप्टन रेडी। तो डॉक्टर अजमल साहब, प्रिंसिपल ऑफ इब्ने सीना तिब्बतिया कॉलेज, आपका शुक्रिया कि इस कम उम्र में इतनी बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। ये परवरदिगार ने आपको नवाजा है और बखूबी उसको निभा रहे हैं। शुक्रिया आपका कि इस कॉलेज में जो आप प्रिंसिपल की भूमिका निभा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज दोस्त, डॉक्टर बन के निकलते हैं यहाँ से बहुत सारी बच्चियां और बच्चे आकर अपने काम को बखूबी समाज के सेवा करते हैं। और डॉक्टर दूसरा गार्ड कहा जाता है, दूसरा भगवान कहा जाता है। तो बेहतरीन संभालने की पूरी कोशिश की गई वहां पे समीर और ये मुगनी चस्ती, लेकिन फिर के संभली है, लहरा रही है और ये श्रियांश नजरों के सामने डाउन किया, सर्विस के साथ पॉइंट लिया 9-14। बहुत दूर से मैं देख रहा हूं ये खेल देखा जा रहा है कि ये प्रांगण बिना पारा का है। इस बिना पारा के प्रांगण से मैं आपका वेलकम कर रहा हूं, टाइगर स्पोर्ट क्लब के जेर तमाम ऑल इंडिया वॉलीबॉल टूर्नामेंट, इब्ने सीना तिब्बतिया कॉलेज का ये ग्राउंड और ये सर्विस अवे। और यही एक गांव है दोस्त, जिस गांव में एक नाम है अबू सुफियान, मास्टर अबू सुफियान खान साहब, जो बहुत ज्यादा लोगों के टीचर होंगे दोस्त, सामीर के कुर्ब जवार के बहुत सारे लोग कि वो वस्ताद मोहतरम है। ये उनका अपना गांव और ये शिक्षा का हब है। ये बेहतरीन सर्विस को चेंज करने में कामयाब 9-14। नौजवान बच्चों जरा सा ताली बजाते रहे तो बेहतर होगा। बेहतरीन ये मुकाबला जो आज टीमें हैं, DLW वाराणसी, दिल्ली, देहरी, आजमगढ़, एक और पॉइंट बीटी पैलेस पिस हम खेल रही है गोरखपुर। हेलो, बहुत ही खूबसूरती के साथ वहां पे आए रॉबिन अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो लोग अभी दोस्त ये मुकाबला चला है, फाइनल हो सकता है 9-10 बजे हो जाए रात में, जो नाइट मुकाबला है। तमाम लोगों का शुक्रिया, 8 बजे से 9 बजे तक की टाइम कमेटी सोच के चल रही है कि हमें वहीं पर फाइनल करवाना है, लेकिन मुकाबला कैसे होगा, कैसे खींचेगा ये देखा जाएगा। रॉबिन एक और हल्की सर्विस, विशाल ने संभाला है,
एक मतफीस के लिए आना लवली बेहतरीन समीचीन तस्वर शायद ऑफिस करते बहुत ही खूबसूरती के साथ। दोस्त आवक में फाइनल मैच खेला गया था 2:15 बजे, वॉलीबॉल जो आल यूपी था वहां 2:15 बजे रात में खेला गया, जो बहुत नुकसानदेह होता है सबके लिए, कमेंटेटर्स के लिए, प्लेयरों के लिए, सबके लिए बहुत नुकसानदेह होता है। तो इतनी रात तक ना किसी चीज को बेहतर होगा और समीचीन 14-10 का स्कोर बहुत खूबसूरत। नसीरपुर से मैं रहा हूँ, जाहिद भाई इस मुकाबले को देखने के लिए आए हैं, बुजुर्गा से लोग आए हैं, ताल नर्जा से आए हैं, आजमगढ़ से आए हैं, मुबारकपुर से आए हैं, तमाम लोगों का शुक्रिया जो इस खेल के साथ जुड़े गए हैं। इस मरतबा बहुत उमदा, तो इस तरह से ये दूसरा सेट जीतने में कामयाब रहा बीटी पैलेस। अब तीसरे सेट का टॉस होगा 15-10 से जीता है।